अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं तूबा? बहुत अच्छी लग रही हैं। तूबा आमिर लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक आपको। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप सबसे पहले बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? आप लग नहीं रही हैं, आप इतनी अच्छी लगती हैं कि लोगों को लगने लगती हैं। मैं हमेशा इनकी बात हमेशा गौर से वैसे सुनते हैं। अब गौर ही तो रह गया जिंदगी में, इनको मुझ पर गौर करना है, मैंने इनको इन पर गौर करना है। वैसे हमने बहुत गौर कर कर ही फैसला किया है। जी जी नहीं, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ गौर करेंगे तो फिर गौर ही मिसाइल बनेंगे, फिर उसके बाद तमाम चीजें। गौर बहुत जरूरी होता है, गौर जरूरी होता है। तो क्या क्या सीख? इंग्लिश में भी इनकी बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, भी ये जो है अच्छी बात, डाउन टू अर्थ हो रहे हैं। लेकिन इनसे मैंने बहुत अदब बहुत सीखा एक, और सेकंडली है कि इनके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से मैंने शायद इतनी कम उम्र में बहुत कुछ सीख लिया जो शायद मैं 50 साल की होकर भी ना सीख पाऊं। ये बस इन्होंने कह दी तुमने के तो दी, इनकी तारीफ में कह रही हूं कि शायद मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, मैंने कम उम्र में बहुत कुछ सीख लिया इनसे। कौन बनाता है घर में? घर में यही बनाते हैं। कौन खाना बनाता है? छोड़िए थोड़ा बड़ा तो होने दें। ये कभी भी जो है मुझसे वैसे बनवाते भी नहीं, तो इन और कुकिंग का वैसे शौक इनको ही शुरू से है। यही बात है, ऐसा कैसा आदमी मिलता है, रब्ता होता है, जानता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, पूरी दुनिया में होते हैं। हम कोई जानवरों की जिंदगी नहीं गुजार रहे, हम इन चीजों में पढ़े ही नहीं कभी आज तक। हम तो इनफैक्ट एंजॉय कर लेते हैं। हाँ एंजॉय, वो अपना ये इनका होता है, इनका ये होता है कि अपना इनको मोबाइल पे गेम खेलना है या बहन से बेचारी बात करती है और उससे बात कर लेती है। अब मैं बोलूं मैं आगे बहन से बात करूं, छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं होता ना। इंसान बेहतरी की तरफ ही जा रहा है ना, ये तो नहीं हो रहा कि वो बुरा हो रहा है। अगर वो चीज उसकी कोई बढ़ रही है टैलेंट की, वो पहले न्यूज करता था, उसके बाद वो कोई और अच्छे प्रोग्राम्स की तरफ आ गया, एंटरटेनमेंट से कुछ और, तो ये उसकी चीजों में इजाफा हो रहा है और यही जिंदगी का नाम है। अगर तो मैं तूबा के साथ यही बर्ताव करने की कोशिश करता हूँ कि जो इनको पसंद है मैं वैसा हो जाऊँ, लेकिन मैं वैसे ही होता हूँ। इनको अगर कोई चीज गेम पसंद है तो गेम होगा। मैंने कभी मैं आपको एक्सबॉक्स दिलाऊंगा, अब मैं भी खेलूंगा आपके साथ एक्सबॉक्स, हम दोनों खेलेंगे। हो गया जिसे जन्नत में जाने का शौक है उसे तूबा याद रहेगा, क्योंकि तूबा जन्नत के दरख्त का नाम है। वाह क्या बात है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ईद की सबसे पहली मुझे यही है कि पहली एक तो सुबह सुबह उठ के इनकी चेहरा मुझे देखने को इस दफा मिलेगा, जो मुझे बहुत खुशी है। वाकई फील हो रहा है कि ईद, वाकई फील हो रहा है कि ईद हो रहा है, ईद है। और सेकंडली है कि ईद ही मैं इनसे तैयार होकर वसूल करने वाली हूँ ठीक ठाक इस दफा, ये मेरी तैयारी है सबसे ज्यादा। अच्छा कहा कि जी बहुत मोहब्बत है इनको आपसे, ये महसूस कैसे हुआ आपको, कैसे होता है आपको महसूस? तकलीफ। अच्छा इनकी इनकी जबान में बहुत तासीर है। वाह भाई, आप इस चीज से अंदाजा लगाए ना कि जब लोग जब ये टीवी पे भी बोल रहे होते हैं, नहीं किसी को दुआ दें या कुछ, टीवी पे बोल रहे होते हैं तो वो तासीर ऐसी होती है कि चैनल घुमाने वाला वहीं रुक जाता है 2 मिनट के लिए। ये तो खुद एक तासीर है, ये तो खुद अपने एक असर रखता है। आप भी ये इतने जेनरस आदमी हैं, इतने ज्यादा जेनरस आदमी हैं कि आप और हम सोच भी नहीं लगा सकते, हमें पता भी नहीं होता। और जहर का क्या करना चाहते हैं? पीना चाहता हूं। मैं आपको पीने नहीं दूंगी। हम सफर साथ है। तूबा तो पूरी एक नज़्म आप पढ़ के सुना दे। घर में होता है कि हम कोई अगर कोई हम जैसे फिल्म देख रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसी जबरदस्त किस्म की तबसरे होते हैं। ओह माय गॉड, आप सोच नहीं सकते, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं कह रहा मैं सीरियस फिल्म में भी हम कॉमेडी निकाल देते हैं।